एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है और हर समय आता है, जितने भी हमारे पास जितने भी क्लाइंट जुड़ते हैं, हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि अपने हाथ में हम बच्चों का सुख कैसे देखें, और क्या हमारे हाथ में बच्चों का सुख लिखा है कि नहीं लिखा है। इसकी हम पूरी आज जांच करेंगे और पूरे आपको चित्र के माध्यम से आज बताऊंगा। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपका बहुत सारा प्यार उस पर मिला है, लेकिन कभी मैंने इस तरीके से आपको वीडियो बना के नहीं बताया। तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। अपना हाथ आप खुद देख कर पहचान सकते हैं कि हमारे हाथ में संतान सुख है, क्या लड़के का सुख है, क्या लड़की का सुख है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, हमारे हमारे सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे पाम रीडिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा आपको, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को और इन सभी रेखाओं को देखना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर संतान सुख आपने देखना है हाथ में, तो हमें अपनी कनिष्ठिका उंगली, जो हमारी ये वाली सबसे छोटी फिंगर है, इस पे हमने ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर हमारी विवाह रेखा भी होती है और यहीं पर हमारी जो है संतान रेखा भी मौजूद होती है। ठीक है, पहले इस पे फोकस करेंगे, फिर उस बात और रेखाओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप, हमारी यहाँ पर होती है विवाह रेखा। यहाँ पर एक आपको विवाह रेखा अपने हाथ में यहाँ पर नज़र आएगी, इस हाथ में आपको नज़र आएगी। उसके ऊपर आपको जितनी भी रेखाएँ दिखें, ऐसी छोटी छोटी, कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी, उसको हम संतान रेखा के रूप में देखते हैं पामिस्ट्री में। जैसे मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, हम ओवरऑल हाथ देखते हैं, लेकिन रूल के हिसाब से, अगर सामुद्रिक शास्त्र को आपने पढ़ा होगा, अगर आगे आगे आप पामिस्ट्री सीखना चाहें, अगर सामुद्रिक शास्त्र को पढ़ें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसको हम संतान रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी रेखाएं आपको विवाह रेखा के ऊपर मिल रही हैं, तो आप ये कन्फर्म मान लें कि आपके जीवन में संतान का सुख होगा। ठीक है, वो छोटी रेखा हो बड़ी रेखा हो, अगर आपकी विवाह रेखा के ऊपर आपको ऐसे निशान मिल रहे हैं देखने को, तो आप मान के चलें कि संतान सुख आपको ये मिलेगा। ये बात आप कन्फर्म कर लें। ठीक है, अब बात यही आती है कि कई बार हमने देखा है कि हाथ में आपके विवाह रेखा के ऊपर निशान तो मौजूद हैं। ठीक है, हाथ में आपको निशान तो मिलेंगे, लेकिन कईयों का क्वेश्चन ये होता है कि यार नहीं, हमारे हाथ में तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे हाथ में वो संतान नहीं हो पा रही है। तो क्या होता है कि आपको विवाह रेखा, देखिए हम कंफर्म कर लें, अगर आपको बड़ी रेखा दिख रही है, बड़ी रेखा हो दिख रही है और विवाह रेखा को काट कर आगे बढ़ रही है, ठीक है, और उसके साथ में छोटी रेखा दिख रही है, जो छोटी रेखा होती है इसको हम पुत्री की रेखा मानते हैं, मतलब जो फीमेल चाइल्ड्स होती हैं उसकी रेखा हम इसको मानते हैं, और जो बड़ी रेखाएँ होती हैं, जो विवाह रेखा को काट कर आगे जाती हैं, उसे हम पुत्र योग मानते हैं। ठीक है, इसको आप मान के चले, और इस रेखाओं के ऊपर मान लीजिए आपके पुत्र की लाइन ऐसे बनी, उसमें एक ऐसा यव का निशान आपको देखने को मिला। ठीक है, या फिर पुत्र की रेखा बनी, आपको टूटी हुई पुत्र की रेखा देखने को मिल रही है, वही ऐसे निशान आपको पुत्री की रेखा भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में पुत्र होने में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, मतलब कह सकते हैं कि पुत्र नहीं हो पाता है, पुत्री नहीं हो पाती है, मतलब बेटा बेटी होने में, संतान होने में परेशानी आती है, या फिर वो टूटी हुई हो, या फिर आपको ऐसे नेगेटिव निशान उस रेखा पर देखने को मिले। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, आपको हाथ देखने पड़ेंगे, आपको ये सीखना पड़ेगा। लेकिन इस बात को क्लियर कर लीजिए कि विवाह रेखा के ऊपर आपकी संतान रेखा मौजूद होती है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि संतान रेखा कौन सी होती है। अब जानेंगे कि इसके ऊपर अगर नेगेटिव निशान आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए आपकी आपकी यहाँ पर ये है विवाह रेखा, इसके ऊपर कोई तिल आ जाए, कोई काला तिल आ जाए, ठीक है, कोई काला तिल आ जाए और उसके ऊपर ही संतान रेखा बनी हुई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होता है कि विवाह के बाद संतान जो है बार बार ख़राब होती है, विवाह के बाद संतान होने में बहुत दिक्कत आती है। अगर संतान होगी, मान लीजिए 1 साल 2 साल की हो गई, अचानक किसी ना किसी कारण उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब वो संतान आपके साथ जुड़ नहीं पाती है, बहुत बड़ी नेगेटिविटी है हाथ में संतान रेखा के ऊपर अगर बन रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कन्फर्म यहाँ पर बता दिया। उसके बाद हमने अपना अंगूठा देखना है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, ये तो हमने देखने के सामुद्रिक शास्त्र ये कह रहा है, लेकिन अलग विद्वानों का मत ये भी है कि अंगूठा आपने देखना है। ठीक है, अंगूठा अगर आपका साफ सुथरा है, ठीक है, अंगूठा आपका साफ सुथरा है और इस पर कोई भी आपको आड़ी रेखा नहीं दिख रही है, अगर मान लीजिए आपको ऐसी आड़ी रेखाएँ, आधी अधूरी आड़ी रेखाएँ आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएँ,
तो पुत्र या पुत्री होने में, मतलब संतान होने में आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रेखा अंगूठे के नीचे जो हमारी सबसे निचला पोर है, ठीक है, सबसे निचले पोर में आपको यहाँ पर आपने देखा होगा कि कईयों के निशान ऐसे होते हैं। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी गोल आकृति बनती हुई दिखी, ऐसी आकृति अंगूठे पर बनती हुई दिख रही होगी, ठीक है। आप अपने अंगूठे पर भी देख सकते हैं। अगर ये आपको ज़्यादा देखने को मिले, ठीक है, आपको ये निशान ज़्यादा देखने को मिले, तो ये देखा जाता है कि उसके जीवन में पुत्री का योग होता है। मतलब जब भी संतान होगी तो पुत्री होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा बनते हैं, अगर आपको ऐसे गोल निशान, मतलब जो आइलैंड की फॉर्मेशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा यहीं पर इसी पोर पर आपको किसी फुश की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ऐसी आकृति अगर आपको इस यहाँ पर ऐसी आकृति, मैं दोबारा से ड्रा करूँगा, यहाँ से ऐसी आकृति आपको बनती हुई नज़र आ रही है, ऐसी आकृति इस पोर पर, तब यहाँ पर ये माना जाता है और कहा जाता है और ये कन्फर्म भी है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आपको अंगूठे के नीचे आपको आइलैंड भी मिल रहे हैं छोटे छोटे और ये फिश का निशान भी मिल रहा है, तो आप ये कन्फर्म मान लें कि आपके जीवन में संतान प्राप्ति होगी और लड़का और लड़की दोनों की खुशियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। ये हम यहाँ पर कन्फर्म आप यहाँ से देख लें, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि और कौन से निशान होते हैं कि जो पुत्र और जो संतान सुख के बारे में बताते हैं। अगर आपका बुध पर्वत ये वाला जो पर्वत है हमारा, जो हमारी कनिष्ठा उंगली के नीचे होता है, जो सबसे लिटल फिंगर के नीचे होता है, ये वाला पर्वत जिसे हम बुध पर्वत कहते हैं, अगर आपका ये वाला पर्वत उभरा हुआ है और इसके ऊपर अच्छे निशान हैं और छोटे बड़े सभी निशान आपको मिले और ज़्यादातर उभरा हुआ है, तो सामुद्रिक शास्त्र में ये कहा गया है कि उस व्यक्ति की 3 से अधिक संतानें होती हैं, पुत्र भी होगा और पुत्री भी होगी, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, पुत्र भी होता है और पुत्री भी होती है, मतलब कम मैक्सिमम 4 संतानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और साथ में ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, ये वाला शुक्र पर्वत होता है जिसे हम वीनस पर्वत कहते हैं, वीनस का जिसे हम कहते हैं, और अगर इसमें उभार है, इस पे उभार है और कोई ऐसी नेगेटिविटी नाइन यहाँ पर नहीं है, तो उस व्यक्ति की एक संतान होती है, सिर्फ एक संतान होगी, वो पुत्र होगा। अगर आपका शुक्र पर्वत आपको बलवान नज़र आ रहा है और उठा हुआ है, तो सामुद्रिक शास्त्र में लिखा गया है कि उठा हुआ जो शुक्र पर्वत क्या देता है, एक संतान देता है, सिर्फ जीवन में एक संतान आपकी यहाँ पर होके रहेगी। साथ में एक और मैं आपको यहाँ पर प्लस निशान बताता हूँ जो बहुत ही कम चीज़ों में बताई जाती है। यहाँ पर आपको ऐसी जो है आपको रेखाएँ दिख रही हैं, ठीक है, शुक्र पर्वत पर ऐसी रेखाएँ देती हैं। हमने बहुत लोगों के हाथ पढ़े हैं तो ये देखने में आया, जिनके हाथ में बहुत सारी आपको खड़ी रेखाएं दिख रही हैं शुक्र पर्वत पर। वैसे तो इसे हम रिलेशंस की रेखाएं मानते हैं, सपोर्ट की रेखाएं मानते हैं, लेकिन अगर शुक्र पर्वत पर आपको ऐसी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं, तो ये मान के चलेंगे कोई भी बालक हो सकता है, कोई भी छोटा बच्चा हो सकता है, कोई भी ऐसी संतान हो सकती है जो आपके साथ जुड़ेगी। जितनी आपको खड़ी रेखाएँ ज़्यादा दिखें, तो संतान प्राप्ति में आपको जो है कह सकते हैं कि मुश्किल नहीं आती है। ये बहुत प्लस पॉइंट है। साथ में एक और प्लस पॉइंट, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारे जो होते हैं जो हाथ के नीचे जो चेन्स बनी होती हैं, ऐसी आपको रेखाएं दिखेंगी जिसे हम मणिबंध रेखाएं कहते हैं। अगर आपके हाथ में 3 से ज़्यादा रेखाएं होती हैं, मणिबंध की 3 से ज़्यादा रेखाएं आपको हाथ में देखने को मिले, तो पुत्र और पुत्री मतलब संतान का सुख आपको मिलेगा, दोनों संतान मतलब पुत्री का भी और पुत्र का भी, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो ये कुछ साइंस होते हैं और भी कुछ निशान होते हैं जिसे हम हाथ के माध्यम से जानते हैं कि क्या पुत्र का सहयोग मिलेगा। साथ में क्या होना चाहिए कि आपके सभी पर्वत अच्छे होने चाहिए, खास तौर पे गुरु पर्वत आपका अच्छा हो, ठीक है, और शुक्र पर्वत आपका अच्छा हो और साथ में बुध पर्वत अच्छा हो। अगर 2-3 पर्वत आपके अच्छे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाथ में संतान सुख है, ठीक है। अगर इनमें से कोई पर्वत दबा हुआ है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव निशान है, तब परेशानी आती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और समझ आया होगा कैसे हम हाथ में संतान सुख के बारे में जान सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट में पूछें, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।